प्रभाकर वटी का कार्य कैसा होता है? हमारे बहुत सारे पेशेंट्स में हमने वही फंडा रहता था कि लघुमालिनी वसंत, मधुमालिनी वसंत, वसंत कुसुमाकर जेंट्स पेशेंट के लिए, या फिर पुष्पधनवावटी, और ये इसके बाहर हम मोस्टली सोचते नहीं है. आउट ऑफ द ट्रैक जाकर जब हम सोचते हैं तब हमें आउट ऑफ द ट्रैक मेडिसिन मिलते हैं और वो आउट ऑफ द ट्रैक रिजल्ट भी देते हैं. विचार ये हुआ था कि बीच में एक पेशेंट अपने पास आई थी जिसका मल्टीपल टाइम्स मिसकैरेज हुआ था, तीन या चार बार कुछ तो मिसकैरेज हुआ था, और उसमें हिस्ट्री भी ये थी कि उसमें कंसीव वो जल्दी से होती नहीं थी. मतलब पाँच छः महीने ट्राई करने के बाद वो कंसीव हो जाती थी, और फिर सेकंड मंथ शुरू होते होते उसका टर्मिनेशन हो जाता था. ऐसा लगभग तीन या चार बार कुछ तो हुआ था. उस वक्त जो विचार दिमाग में आया था वो ये था कि उसकी धारणा शक्ति कम हुई है. फर्स्ट थिंग, धारणा शक्ति कम हो चुकी है, अब इस धारणा शक्ति को बढ़ाना चाहिए. एंड सेकंड, उसका जो एक्सेप्टेंस है, इस पेशेंट की जो एक्सेप्टेंस है शुक्र धातु के लिए, वो बढ़ाना चाहिए. अब एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं पीछे चला गया रस शास्त्र में, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गंधक जो है वो पार्वती रज उसे बोला गया है, और अपना रस जो है मतलब पारद जो है उसे शिवजी का वीर्य माना गया है, और सबसे ज्यादा बॉन्ड इन्हीं दोनों का है. पारद और गंधक की कज्जली यही सबसे ज्यादा बनाई जाती है और वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है. तो क्यों ना हम फीमेल में उसका फीमेलनेस और बढ़ाने के लिए मेडिसिन दे. तो इसलिए वहां पे गंधक इस्तेमाल करने का विचार आया था. अब गंधक इस्तेमाल वैसे भी देखा जाए तो हम अशुद्ध गंधक तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, शुद्ध गंधक इस्तेमाल करेंगे. उस वक्त हालांकि क्लिनिक में शुद्ध गंधक अवेलेबल भी नहीं था, और सिर्फ गंधक इस्तेमाल करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि उस फीमेल में अगर हम गंधक रसायन इस्तेमाल करें, और हम जो इस्तेमाल करते हैं अपने क्लिनिक में, दैट इज़ महागंधक रसायन, जिसमें पूरी 102 भावनाएं जो है कही हुई वो दी जाती है, जो 3.5 महीने चलता है, आप लोगों को तो पता ही है. तो उसके रिजल्ट्स के बारे में हम कॉन्फिडेंट रहते हैं जब हम अपनी मेडिसिन खुद बनाते हैं. तो गंधक रसायन उस पेशेंट में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. अब जैसे गंधक रसायन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बेसिकली आप हमेशा देख लीजिए, गंधक ये उष्ण है लेकिन गंधक रसायन जो है वो शीत है. गंधक उष्ण है लेकिन गंधक रसायन जब आप तैयार करते हो तो वो शीत गुणों का बन जाता है, लेकिन उसका बेसिक गंधक है वो कहीं गया नहीं है. आप समझ लीजिए, जैसे पानी जो है, पानी का गुण शीत है, आप उसको गर्म करेंगे पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन उसका स्वभाव गुण क्या है, वो शीत है तो वो शीत ही रहेगा. वो उस वक्त गर्म के कारण कुछ अलग इफेक्ट ट्रीटमेंट देगा, रिजल्ट देगा, लेकिन उसका स्वभाव गुण जो है वो शीत ही रहेगा. उसी प्रकार से गंधक रसायन के इस्तेमाल करने के बाद स्त्री का जो आर्तव है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, फर्स्ट थिंग, और उसका एक्सेप्टेंस पारद के लिए, उस गंधक का पारद के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ता है. मतलब रज का वीर्य के लिए जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाता है, शुक्र के लिए जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाता है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, वो अभी और एक दिमाग में विचार आया, और वो ये है वो किस तरीके से काम करता है. तो वैसे देखा जाए तो रज इज डिराइव्ड व्हाइल प्रोडक्शन ऑफ रक्त फ्रॉम रस. रस से रक्त बनते वक्त जो बाय प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उसमें से एक प्रोडक्ट है रज, एंड इट इज वेरी मच एनालॉगस टू रक्त, राइट. अब रक्त विकार जितने भी है वहां पे गंधक रसायन ही काम करता है, मतलब रज विकारों पे वो काम करेगा, ठीक. और ये इस्तेमाल करने के बाद उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए, प्रेगनेंसी भी फटाक से रह गई. एंड मीनवाइल जब हमने देखा था ग्रंथ में उसके बाद देखा तो प्रजा कारण नाम ऐसा कुछ तो रेफरेंस भी उसका आया हुआ है. अभी वो रेफरेंस देखा नहीं था या फिर याद भी नहीं था, लेकिन मैं जो कहता हूँ कि ग्रंथ आपके साथ बात करते हैं, आपकी औषधियाँ जो है वो आपको खुद होके सुझाव देती है कि मेरा इस्तेमाल करो, यहाँ पे मेरा इस्तेमाल होना ज़रूरी है, इस तरीके से ये विचार आते हैं. ये होगा गंधक रसायन का. अब बचा प्रभाकर वटी. धारणा जो है स्पेसिफिकली हम मेल पेशेंट के बारे में जब हम देखते हैं तो हृदय से निकलने वाली जो कंडरा है उस कंडरा से शिश्न तैयार होता है, ऐसा रेफरेंस आया हुआ है शारिस्तान में. अब रेफरेंस से बात ऐसी होती है कि अगर इस हृदय से निकलने वाली कंडरा से मेढ्र तैयार होता है तो
हृदय के ऊपर अगर हम काम करते तो मेढरे के ऊपर भी काम अच्छी तरीके से हो जाएगा. और धारण करना ये जो बात है, ये बात सिर्फ गर्भ की नहीं है या सिर्फ अस्थि की भी नहीं है. अस्थि जो हर जगह पर है उसको ये काम करती है. इसलिए जब हम प्रभाकरवटी इस्तेमाल करते हैं पेशेंट में तो हृदय की धारणा शक्ति बढ़ती है, और हृदय की धारणा शक्ति बढ़ने के कारण शुक्र की धारणा के धारण की कैपेसिटी बढ़ जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ फीमेल पेशेंट को ब्लेम करते हैं कि प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गई, ये हो गया. हम शुक्र के गुणों का और शुक्र में जो विकृतियाँ आती है, जैसे शुक्र का वर्ण कैसे है, शशास्त्र को प्रत्युम यतु यदवा अक्षरसुपम, जैसे रज का बताया है वैसे शुक्र का भी स्फटिकापम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी ये बताया हुआ है. अगर वो है नहीं तो वो शुक्र की विकृति है. और शालिस्थान में तो आचार्यों ने स्पेसिफिकली कहा भी है कि कुणपगंधी कहा है या फिर ग्रंथि का बताया है, इस तरीके से उसकी विकृतियाँ बताई है. हम सिर्फ सीमेन एनालिसिस करते हैं, हम FSHLH करते हैं, हम प्रोलैक्टिन करते हैं, हम इन चीज़ों का विचार नहीं करते हैं. लेकिन अगर हम प्रभाकर और ये करते हैं इस कंडीशन में गंधक रसायन, तो ये जो मल्टीपल टाइम मिसकैरेज होना और प्रेगनेंसी ना रहना, इसमें गंधक रसायन अच्छा काम करती है, ये देखने के लिए मिला. अभी वैसे भी चलते चलते हम मेढर का विषय निकल आया था और हृदय का विषय भी निकला था, तो मैं और एक सिचुएशन बता देता हूँ. अभी रिसेंटली एक इंडिया के ही डॉक्टर है जो लंदन में प्रैक्टिस करते हैं, और उन्होंने एक रिसर्च आर्टिकल अभी पब्लिश किया है, हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले की बात है ये. उसमें उन्होंने ऐसा कहा है, ही इज़ अ यूरोलॉजिस्ट, ही इज़ नॉट कार्डियोलॉजिस्ट, नॉट जनरल फिजिशियन, ही इज़ अ यूरोलॉजिस्ट. He used to perform the surgeries of urine tract and male female excretory system. उन्होंने जो research paper दिया है that उसका conclusion ये है कि जिस patient में male patient में erectile dysfunction होता है तो समझ लीजिए there is having some problem in his heart. मेल पेशेंट्स में जहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन आना शुरू होता है, आप समझ लीजिए कि उसके हार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ चुका है, क्योंकि जो स्पॉन्जी मसल्स है पेनिस के, वहाँ पे ब्लड फ्लो जाकर, वहाँ का ब्लड फ्लो जाने के बाद वो उत्थान जिसे कहते हैं वो आया होता है, इरेक्शन आ जाता है. बहुत माइन्यूट आर्टेरियोल्स रहती है पेनिस में, जब वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है तब भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है. और जब वहाँ पे ब्लॉक आना शुरू हो गया, आप समझ लीजिए कि जहाँ पे और रोज़ खून जहाँ पे बह रहा है दैट इज़ हार्ट, तो वहाँ और बहुत ज़्यादा मात्रा में बह रहा है, आप समझ लीजिए कि वहाँ पे भी आना शुरू हुआ है. अब ये हुआ है, अभी 2018 चल रहा है, महीना चल रहा है जुलाई का, अब भी जुलाई जून महीने में ये रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है, और आचार्य ने हृदय काल इसके साथ जो पेनिस के साथ जो रिलेशन है वो 5000 साल पहले बता के रखा है. और किसी को कोई शंका? सर एक पेशेंट थे, उन्हें उनके अंदर जब कंसीव होने के बाद जब एक दो महीने के बाद यूएसजी कराते थे तो उसमें हार्ट बीट्स एब्सेंट रहती थी, तो तभी डॉक्टर्स एडवाइस करते थे उनको एबॉर्शन कराना या एमडीबी कराना बताया था. मगर आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए कि हृदय की उत्पत्ति चतुर्थ मंथ में बताई गई है, तो हमें क्या सोचना चाहिए उस टाइम कि फर्स्ट या सेकेंड मंथ में हार्ट बीट नहीं मिल रही उसके तभी एबॉर्शन कराना चाहिए या फोर्थ मंथ की राह देखनी? नहीं, हम सेकेंड मंथ के बाद भी थोड़ा सा रुक सकते हैं. बहुत सारी बार हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फीवर रहती है इसलिए दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती है. तो ऐसे समय पर वाग्भट में आया हुआ ही एक ये है मेडिसिन है, काश्मीरी फल जो है, गंभारी फल और यष्टि मधु, इनका क्षिरपा बनाकर अगर हम देते हैं पेशेंट को तो कुछ पेशेंट्स में जिनमें हार्ट बीट बहुत फीबल रहती है उनमें हार्ट बीट फिर से डेवलप हो जाती है. इस कंडीशन में हेमोग्लोबिन रस जो है वो भी अच्छा काम करता है, दोनों मेडिसिन अच्छे काम करते हैं. और अगर इसी पेशेंट में पहले से ही पंचकर्म करके आप शोधन करते हो और बिफोर प्रेगनेंसी अगर प्रभाकर उदाहरण शुरू करते हो तो बच्चे में आने वाला जो हृदय की विकृति है वो भी नहीं आएगी. हृदय महाकषाय बताया है, हमने महाकषायों की भी बात की थी, तो हृदय महाकषाय वहां पे इस्तेमाल करो, वो भी काम करेगा. हृदय महाकषाय मैंने इसलिए महाकषाय का टॉपिक जब हमने निकाला था एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ चीजें बताई थी, तो जरूरी नहीं कि हृदय महाकषाय मतलब इसको हृदय का प्रॉब्लम हुआ है इसको दे दो, नहीं, हृदयाय हितम हृदयम ना, तो पहले से ही दे दो, प्रॉब्लम नहीं आएगी.
अगर ऐसा है तो प्रेगनेंसी के पहले दे दो, बच्चे में हृदय की प्रॉब्लम नहीं आएगी. इट्स लाइक दैट ओनली. आयुर्वेद में बताया गया है ऐसे कि जब गर्भ शुक्र और आर्त का संयोग होने के बाद गर्भ की निर्मित होती है, तब गर्भ निर्माण होने के लिए 3 दोष और 7 धातु की उत्पत्ति होती है, तभी होती है. और धातु पढ़ते हुए हमें पता चलता है कि रस धातु से रक्त की निर्मित होती है, रक्त से मांस की निर्मित होती है. तो हमें क्या समझना चाहिए कि गर्भ निर्माण हुआ तभी धातु निर्माण हो गया है या बाद में निर्माण हुआ? इसका भी एक्चुअली जवाब ग्रंथों में ही दिया हुआ है. वो ये है कि फल जो है वो बीज में ऑलरेडी रहता है. जो फल है, जो पूरा पेड़ है, वो बीज में रहता है. जब हम उसको बोते हैं और उसके बाद वो उग के बाहर आ जाता है, तब हमें फल पेड़ दिखता है, उसको फल दिखते हैं, उसके पुष्प दिखते हैं, उसके पत्ते दिखते हैं, उसके तने दिखते हैं. लेकिन वो सूक्ष्म स्वरूप में उस बीज के अंदर ही रहते हैं. तो वैसा ही यहाँ पे भी है. धातु तो पहले ही रहते हैं, बाद में उसका जो लाइन ऑफ प्रोडक्शन लाइन शुरू हो जाती है वहाँ रस से, वो आहार रस से निर्मित बताइए. ये पहले से ही है. अगर नहीं, वो सिर्फ आहार रस से होता तो जिस दिन बच्चा खाना खाएगा उस दिन उसका रस तैयार होगा. और दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, तो धातु ही नहीं है. वैसे देखा जाए तो दोषों की उत्पत्ति भी आहार परिणाम प्रभाव में होती है. फिर दोष भी उसी वक्त तैयार हो गए. फिर जो पैदा हुआ इतना बच्चा वो क्या है? नहीं, वो शुक्र-शोणित संयोग के टाइम पे ही तैयार हुआ है. उस वक्त उसका प्रोडक्शन लाइन जो है वो मम्मी के अम्बिलिकल कॉर्ड से होकर जा रहा है. जब वो बाहर आ जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तब रस मतलब दूध जाएगा, वो भी एक प्रकार का रस है. उसके बाद रस धातु तैयार हो जाएगा और फिर बाकी परिणाम जो है वो तैयार हो जाएंगे.